हमारे प्रधानमंत्री ने ये मुहिम चलाई है कि एक वृक्ष माँ के नाम, तो माँ के नाम पे हमारे अपने माँ हो या सबके माताएं हो या भारत माता हो, भारत माता एक्चुअली, तो उनके नाम पे पूरा धरती में धरती माँ के सब लोग, हम लोग सारे वृक्ष को हटा हटा के बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, तो वृक्ष का एकदम कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, गलत समय पे सब हो, सब कुछ चेंज उल्टा पुल्टा हो गया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट द ट्रीज, जिसकी वजह से हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, ये वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो सबसे रिक्वेस्ट भी है कि ऑल द बिल्डर से भी कि आप बिल्डिंग जरूर बनाइए, लेकिन जितना आप बिल्डिंग बना रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ भी साथ साथ में लगाते जाइए, और हम लोगों को भी उसका केयर करना चाहिए। जैसे आज हमने ये पेड़ लगाया, इसका देखभाल करने वाले हमारे माली जी हैं यहाँ के जवाहर बाग के, ही शुड टेक केयर ऑफ इट, दैट सी दैट इट इज ग्रोस वेल, इसका अपना बच्चा जैसे इसका प्यार से रखेंगे तो बहुत बढ़िया पेड़ बनेगा, क्योंकि जवाहर बाग में तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, उसमें से मेरे नाम पे भी एक दो पेड़ आज लग गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे पूरा मथुरा में बहुत वृक्ष का जरूरी है, लेकिन लगाने से पहले देख लो कि कहीं वहाँ रोड वोड तो नहीं बनने वाला है, तो फिर क्या उसका उखाड़ना पड़ता है, इसके लिए देख के लगाइए जहाँ करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा कल परिक्रमा मार्ग वृंदावन में सब परिक्रमा मार्ग में ही लगा के रखा है, वो दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट ना, जो सोच समझ के करेक्ट जगह पे लगाना चाहिए, इतना मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ के मथुरा वासियों से।